नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जायसवाल और मेरे साथ मेरी सहयोगी श्रद्धा पांडे मौजूद है। आईपीएल 2022 का 51वां मैच यानी कि 51st मैच जो खेला जाएगा, गुजरात टाइटंस टेबल टॉपर और मुंबई इंडियंस टेबल बॉटम टेबल के टॉपर यानी कि नंबर वन और नंबर टेन। बिल्कुल नंबर वन और नंबर टेन की ये बहुत अनोखा मैच है। देखिए बहुत अनोखा मैच है, एक तरफ नंबर वन टीम है, टेबल टॉपर टीम है और दूसरी तरफ नीचे से जो पहले नंबर पर है पॉइंट्स टेबल में मुंबई की टीम है। ये मैच जो है खेला जाएगा ब्रेबोर्न स्टेडियम में। ब्रेबोर्न स्टेडियम के बारे में भी आपको धीरे धीरे वीडियो के आगे बताएंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स की। तो दोनों ही टीम्स जो है, अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हार के साथ आ रही है। 8 विकेट से जो है पंजाब ने हरा दिया था। बड़े उलटफेर का शिकार हुई है। बड़े उलटफेर का, देखिए पहले हमने देखा था राजस्थान जो थी बड़े उलटफेर का शिकार हुई थी, अब जो है हमने जो फ्रेश जीत देखी है पंजाब की, गुजरात को हरा के पंजाब जीत गई थी। और वहीं अगर बात करें नीचे से पहले पायदान पर बनी हुई है मुंबई, तो मुंबई ने जो है मुंबई जीत कर आ रही है किससे? राजस्थान से। मतलब आप सोचिए, मतलब गुजरात को हरा के आ रही है पंजाब और मुंबई जो है जीत कर आ रही है राजस्थान से। गजब आयरनी है, मतलब आयरनी बहुत गजब है यहाँ पे। और अगर गुजरात की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में आपको पता ही है पहले नंबर पर काबिज है। अगर जीत जाती वो पंजाब वाला मैच तो गुजरात जो है पहली ऐसी टीम बन जाती जो क्वालिफाई कर जाती। 16 पॉइंट्स के साथ जो है गुजरात पहले पायदान पर। वहीं अगर मुंबई की बात करें जो कि पहले पायदान पर है नीचे से, तो मुंबई की अगर बात करें तो 10th नंबर पे है 2 पॉइंट्स के साथ। फिलहाल ये तो था सारा लेखा जोखा। और आज हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे? पहले गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही साथ आपको पिच रिपोर्ट बताएंगे कि पिच क्या कहती है, क्योंकि आफ्टर ऑल उसी पर मैच खेला जाना और वही रिजल्ट को डिसाइड करेगी। और मुंबई की भी बताएंगे अगले वीडियो में, बट जीटी की बताते हैं इस वीडियो में। तो आयरनी सबसे बड़ी यह है श्रद्धा की हार्दिक पांड्या पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर वन पर है। रोहित शर्मा 5 बार जिता चुके हैं और वो है नंबर 10। मतलब क्या आयरनी है कि इस आईपीएल का सबसे सफल कप्तान 10वें नंबर पर है और सबसे यंग कप्तान, मतलब अभी युवा कप्तान जिन्होंने कप्तानी संभाली वो है हार्दिक पांड्या, वो नंबर वन पर है। देखिए इसीलिए आईपीएल अनप्रेडिक्टेबल इंटेंस प्रीमियर लीग, इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग, जो चाहे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग जो चाहे कह लीजिए। और अब तो जो है बहुत बड़ी उलट फेर हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, मतलब जिस मोड़ पर अब मैचेस आ चुके हैं, नॉकआउट हो चुका है, नॉकआउट होने वाले हैं, तो उस हिसाब से जो है बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ चुके हैं मैचेस। तो फिलहाल बात कर लेते हैं गुजरात की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी। और हमेशा की तरह रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। देखिए शुभमन गिल को तो बहुत मौके मिल रहे हैं, बट अब प्लेयर भी ऐसे ना कि ड्रॉप कैसे करें। देखिए शुभमन गिल का मुझे लग रहा है एक बार एक्सीलरेटर स्टार्ट हुआ था, फिर मतलब भूस हो गया, क्योंकि वहां जो शुभमन गिल सेंचुरी बनाने वाले थे जो 6 रन या फिर 4 रन से जो पीछे रह गए थे, उसके बाद जो शुभमन गिल का वैसा बल्ला हमें देखने को मिला, यानी कि वैसा बल्ला नहीं चला। पता नहीं कौन से सदमे में चले गए, वो लगातार और अर्धशतक भी जमा चुके हैं, पिछले मैच में भी शानदार स्टार्ट मिला था। तो एक बार जीटी जो है फिर से उम्मीद करेगी कि इनको जिताने में शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा को जो है शुभमन गिल का बहुत ज्यादा जरूरत है कि यार एटलीस्ट उनके साथ तो दे, क्योंकि रिद्धिमान साहा नहीं अकेले कर पाएंगे ना, ओपनिंग नहीं संभाल पाएंगे। तो शुभमन गिल को चाहिए कि अब वो साथ दे और अपनी वो वाली पारी भूल जाए कि अब भाई मैं शतक से 6 रन या 4 रन दूर रह गया था, तो वो चीज भूल कर मुझे लगता है रिद्धिमान साहा का साथ देना चाहिए शुभमन गिल को। बिल्कुल, और उनके बाद रहेंगे भैया साई सुदर्शन, इनका नाम तो पिछले मैच के बाद ना चारों ओर क्रिकेट जगत में चारों ओर सब लोग इनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि है ही खिलाड़ी ऐसे। साई सुदर्शन अगर पिछले मैच में नहीं खेले होते, रन नहीं बनाए होते, तो शायद गुजरात जो है 100 के अंदर शायद सिमट जाती, मतलब जिस तरह का इन्होंने स्कोर, का भी मतलब वो टारगेट नहीं सेट कर पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा तुरुप के इक्के मैं कहूंगी इनको पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ ये तुरुप के इक्के साबित हुए थे, क्योंकि हमें जो ज्यादा उम्मीदें थी वो ओपनिंग में विद्यमान पांड्या से थी, डेविड मिलर से मुझे उम्मीदें थी, तेवतिया से थी, साई सुदर्शन ये तो आउट ऑफ द सिलेबस वाला काम कर गए थे, सिलेबस आउट ऑफ द बॉक्स आ गए थे। और अर्धशतक मतलब 65 रन की बड़ी पारी, इतना कॉन्ट्रीब्यूट करना
टीम को जब टीम में सारे प्लेयर्स उस समय फ्लॉप हुए थे उस मैच में, और इकलौते साई सुदर्शन थे जिन्होंने, मुझे लग रहा है इनकी बहुत बड़ी पारी थी, 143 का जो टारगेट पहुंची थी गुजरात के लिए सबसे बड़े, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन थी ये। और साई सुदर्शन के बाद रहेंगे हार्दिक कप्तान पांड्या, कुंगफू पांड्या। दो तीन मैचों से बल्ला उतना चला नहीं है, बट कप्तानी तो खैर जबरदस्त कर रहे हैं। हालांकि पिछले मैच में हार मिली और हम तो खैर कह ही रहे थे, इंस्टिंक्ट लग रहा था कि जो गुजरात है पंजाब के हाथों उलटफेर का शिकार होने वाली, और वही हुआ। बट इस मैच में जीटी और एमआई में तो लगता है कि देखिए हार्दिक पांड्या अपना जलवा दिखाएंगे, क्योंकि फॉर्मर टीम के अगेंस्ट होंगे, जिस टीम से अपना करियर स्टार्ट किया था आज उसी टीम के खिलाफ कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा के खिलाफ। बिल्कुल, जिस टीम में चौथे पांचवे छठवे इस नंबर पर खेलते थे आज उसी टीम के खिलाफ नंबर तीन चार पर खेलेंगे, कप्तानी करेंगे, टॉस करने आएंगे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे सीएसके और आरसीबी का मैच जो होता है इंटरेस्टिंग बन जाता है, मुझे लग रहा है जीटी और एमआई का मैच भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आयरनी बहुत सारी है इस मैचेस में, बहुत सारी आयरनीज, और पांड्या मुझे लग रहा है अब के मैच में, ये वाला जो मैच है इसमें वो डेयरिंग ना दिखाएं, और अगर टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग करें भैया, शाम का मैच है, बॉलिंग लेकर सेफ खेलो, ज्यादा अपने आप को मतलब वो है ना चैलेंज करने की जरूरत नहीं, बेहतर है आप पहले प्लेऑफ्स में पहुंच जाओ उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करो, क्योंकि एक हार हो गई, एक हार हो गई है, अब जो है दो टीम्स बन गई है, जिसने गुजरात को हरा दिया, पहली थी हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद और दूसरी अब पंजाब बन गई है, तो तीसरी जो है कहीं मुंबई ना बन जाए, बिल्कुल इससे बेहतर है आप अच्छे से खेलो। और उसके बाद रहेंगे डेविड मिलर, डेविड किलर मिलर पिछले मैच में तो नहीं चले, बट ये सीजन बड़ा अच्छा जा रहा है डेविड मिलर का, बहुत साल बाद आईपीएल में इस तरह का प्रदर्शन उनसे देखा गया है, पहले वो भी पंजाब वगैरह में खेला करते थे बट वैसा परफॉर्मेंस रहा नहीं, अब इस सीजन में शानदार कर रहे हैं, और शानदार कर रहे हैं भैया राहुल तेवतिया, राहुल नाम मतलब तो सुना होगा ना, नाम तो सुना होगा, पिछला मैच तो फ्लॉप था, हाँ पिछला मैच बहुत ज्यादा फ्लॉप था, 13 बॉल 11 रन्स ही अराउंड, 11 12 रन्स के अराउंड था, और रबाडा के हाथों ध्वस्त हो गए थे ये भी, रबाडा मतलब उस मैच में रबाडा ही रबाडा छाए हुए थे, चार विकेट हॉल था शायद उनके नाम रबाडा के नाम, तो रबाडा ही रबाडा छाए हुए थे, और तेवतिया जो है घुटने टेक दिए थे वही तेवतिया ने रबाडा के हाथों, तो तेवतिया से देखिए उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि दो बॉल दो छक्के वही चीज याद आती है, छक्कों के लिए जाने जाते हैं ना, छक्कों के लिए जाने जाते हैं, एमआई को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां तक आ गई पारी, अगर राहुल और तेवतिया तक पारी आ गई तो थोड़ा जोन में आ गई तो फिर बल्ले पे चढ़ेगी तो छक्का ही जाएगी, चाहे वो सामने बुमराह क्यों ना हो, तो दिक्कत रहेगी राहुल तेवतिया से, बच के रहना पड़ेगा, और बचना पड़ेगा राशिद करामाती खान से, हालांकि वो करामात इस सीजन बॉल से तो नहीं दिखी, बैटिंग में जरूर देखी, बैटिंग में नहीं, बैटिंग में देखी, हालांकि पिछले मैच में नहीं उतना मतलब पहली बॉल पर ही शून्य पर ही बिल्कुल आउट हो गए थे, और अब जैसे कि उन्होंने बयान भी दिया था कि अब मुझे लोग जो ऑलराउंडर के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, बट उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि आप एक मैच में 40 बनाए अगले में जीरो बना दे, तो ये उन्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो खैर सबको पता राशिद करामाती खान क्या कर सकते हैं, और रहेंगे राशिद के बाद अल्जारी जोसेफ। देखिए अल्जारी जोसेफ का भी सीजन मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर ऐसा जा रहा है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ख़राब है बट बहुत अच्छा भी नहीं है, तो अल्जारी जोसेफ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपने यहाँ पर, क्योंकि पूरा ओवर का स्पेल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इन पर थोड़ा सा नज़र रहेंगे डेथ ओवर्स में स्पेशली, और रहेंगे प्रदीप सांगवान। देखिए प्रदीप ने मतलब दो ओवर 23 रन और उनसे एक तो भी दो ही ओवर करवाए थे, सिर्फ दो ही ओवर करवाए थे और 23 रन मतलब बहुत ज्यादा है दो ओवर में 23 रन, ऑलमोस्ट 12 का रन रेट इन्होंने लुटाया, इकोनॉमिकल रेट था, विकेट नहीं चटका है, बड़ी बात यह विकेट एक भी नहीं लेके गए थे प्रदीप सांगवान, तो बहुत ज्यादा महंगा ओवर, हालांकि सिर्फ दो ही ओवर करवाए गए लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा महंगा ओवर इनका पिछले मैच में साबित हुआ, तो अब इन पे भी नजरें रहेंगी बॉलिंग में, और भैया नजरें रहेंगी लॉकी फर्ग्यूसन जो इस मैच में शायद सबसे तेज गेंद डालने वाले गेंदबाज बने, क्योंकि भैया इनके सामने फिर उमरान मलिक से टक्कर रहती इनकी, बाकी तो फर्ग्यूसन बहुत पेस पे डालते हैं बट थोड़ा लाइन लेंथ पर ध्यान दे तो बेटर होगा इनके लिए, और बेटर कर रहे हैं भैया मोहम्मद शमी, वाइड बॉल से इन्होंने वो करके दिखाया है जो जिस पर इनके आलोचना हो रही थी कि वाइड बॉल फॉर्मेट के अच्छे बॉलर नहीं है, बट मोहम्मद शमी ने सभी को गलत साबित किया और लगातार विकेट्स ले रहे हैं और मेन विकेट्स यही ले रहे हैं, ब्रेक थ्रू दिलाते हैं गुजरात को, तो मोहम्मद शमी रहेंगे इस बॉलिंग अटैक के लीडर, तो ये गुजरात टाइटंस की पॉसिबल प्लेइंग 11, रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, प्रदीप सांगवान, लॉकी फर्ग्यूसन और मोहम्मद शमी। देखिए ये है पॉसिबल प्लेइंग 11। अब आपको बताते पिच, ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम ये पिच मैदान है, तो वहां पर जो पिच रहेगी वो अच्छी रहेगी, बल्लेबाजों के अकॉर्डिंग रहती है, बट
धीरे 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 खेल बढ़ेगा तो फिर स्पिनर्स का यहाँ पे बोलबाला चल सकता है। हालांकि बैटिंग पिच है, ज्यादा रन बनेंगे, लेकिन स्पिनर्स जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और जो दूसरी बल्लेबाजी करेगी, जो मतलब जो चेस करेगी, जो चेस करेगी टीम, उनके लिए अच्छा साबित हो सकता, अच्छी साबित ड्यू भी रहेगा, क्योंकि ड्यू रहेगा। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हार्दिक पांड्या अगर अपना जो पहले नंबर का जो पायदान है उसको काबिज रखना है तो भैया अब डेयरिंग मत दिखाइए, अब जो है जैसे लीग है वैसे भेड़ चाल में चलिए, भेड़ चाल जो ट्रेंड चल रहा है ना उसको चलने दीजिए, उसी में फायदा है, उसी में फायदा है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट अगर पोजीशन आपको सिक्योर करनी है तो, क्योंकि लगातार अब तीसरी हार हो जाएगी, फिर उसके बाद तीसरी हार हो जाएगी और वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पांड्या, और अब तो आज ज्यादा प्रेशर होगा, मतलब अब का जो मैच है अब ज्यादा प्रेशर होगा, क्यों? क्योंकि सामने फॉर्मर टीम है, मतलब एक इमोशनल चीजें भी बाहर आएंगी, जब आमने सब कुछ यादें आएंगी वापस, ड्रेसिंग रूम वाला सब कुछ, बुमराह को देखेंगे, यॉर्कर सामने, रोहित शर्मा आएंगे, तो मतलब क्या इमोशनल मोमेंट हो सकता है पांड्या के लिए, ये देखना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई हमने, हमने आपको बताया पिच रिपोर्ट, अब आपको बताते हैं कि इस पॉसिबल प्लेइंग 11 का आपको यूज कहाँ पे करना है। आपको यूज करना है इसका मेटा स्पोर्ट्स 11 प्लेटफॉर्म पर, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए, मेटा स्पोर्ट्स 11 ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि फीलिंग वो है प्लेइंग वाली होती है, और इस मैच में तो फीलिंग रहेगी ऑफकोर्स, क्योंकि इमोशनल मैच होगा पांड्या के लिए भी, रोहित शर्मा के लिए भी। तो आप मेटा स्पोर्ट्स 11 पर टीम बनाइए और पैसे कमाइए, जितना ज़्यादा बड़ा कॉन्टेस्ट, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उतना ही ज़्यादा रिटर्न, तो बेहतर रहेगा बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले, और पॉसिबल प्लेइंग 11 हमने आपको बता दिए, तो आप टीम बनाकर बहुत सारे पैसे जो है उस प्लेटफॉर्म पर जीत सकते हैं। कैप्टन आप आराम से चुनिए, क्योंकि देखिए फील्ड पर कोई भी जीते, चाहे जीते मुंबई या फिर जीते पांड्या टाइटंस यानी गुजरात टाइटंस, आप जरूर जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि आप टीम बनाएंगे, 22 खिलाड़ियों में से 11 मिले जुले खिलाड़ी जो है आपको अपने टीम में रखने हैं, और ये तो जो है हमने पॉसिबल प्लेइंग 11 बता दिया, बाकी जब एक्चुअल प्लेइंग 11 आएगी तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा, मेटा स्पोर्ट्स 11 का वो प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें आपको ये टीम बनानी है। तो जल्दी से जल्दी अपनी टीम बनाइए, क्योंकि हम तो जरूर बनाएंगे, तो आप भी जरूर अपनी टीम बना दीजिए। फिलहाल ये था गुजरात टाइटंस का पूरी जो लेखा जोखा था, क्या होगा, पिच कैसी रहेगी, कितने मतलब कितनी बार ये टीम्स फिलहाल इस आईपीएल 2022 में तो पहली बार ही आ रही है, लेकिन एक इमोशनल टच रहेगा इस मैच में। बिल्कुल, तो ये गुजरात टाइटंस का पूरा लेखा जोखा हमने आपको बताया। अब आप कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी राय बता सकते हैं कि कौन पॉसिबल प्लेइंग 11 में क्या कोई चेंजेस हो सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन रहेगी आपकी, क्या जीटी जीतेगी और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी, या एमआई अपनी दूसरी जीत दर्ज करेगी, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।